दोस्तों यार, क्या आप जानते हैं बावेल पॉलिप्स एलिमेंट्री कैनाल के किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है? क्या आप जानना चाहेंगे ये किन किन कारणों की वजह से होता है? क्या आपको मालूम है ये ट्रीट भी किया जा सकता है या फिर नहीं? अगर ट्रीट किया जा सकता है तो कैसे? जी हाँ दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल के लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक कंडीशन होता है बावेल पॉलिप्स। अगर लार्ज इंटेस्टाइन पर बात की जाए तो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटिन्यूशन से बनने वाला एलिमेंट्री कैनल का ही सबसे आखिरी ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। साइकम, कोलोन, रेक्टम जैसे पार्ट्स में बांटा जा सकने वाला एक्चुअली वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए पहचाने जाने वाला ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम इलियोसाइकल वेल्व को पास करते हुए जिसमें ओपन हुए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पालनहार ब्लाइंड सैक जैसा नज़र आने वाला एक स्ट्रक्चर यानी कि साइकम, इसी तरह जो एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन जैसे पार्ट्स में बांटा जा सकने वाला, और हॉस्टा नाम के छोटे छोटे चैम्बर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर यानी कि कोलोन, और अनडाइजेस्टेड फूड्स के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए जाने जाने वाला यानी कि रेक्टम जैसे पार्ट्स का बना हुआ एक अहम ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसी लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग में दिखने वाला स्मॉल ग्रोथ होता है बाउल पॉलिप्स। 50 की एज पार कर चुके हर चौथे शख्स में दिखने की हाई प्रोबेबिलिटी होने वाला एक कॉमन कंडीशन होता है बाउल पॉलिप्स। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो बाउल पॉलिप्स हो चुके लोगों में अक्सर को मालूम ही नहीं होता है इसके बारे में। हाँ, ये तब ज़रूर समस्याजनक बन जाता है जब एक से ज़्यादा की संख्या में मौजूद हो, या फिर कहा जाए कि कंपेरेटिवली साइज में इतना बड़ा हो कि रेक्टल ब्लीडिंग और कंस्टिपेशन जैसी समस्याएं करने लगे। अगर काजेज की बात की जाए तो अभी तक इसके पीछे कोई मुख्य कारण तो नहीं पता लग पाया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर आकलन किया जाता रहा है कि इंटरनल लाइनिंग बनाने वाले जो सेल्स हैं जब वो अधिक मात्रा में बनने लगते हैं तब ये समस्या हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोलोनोस्कोपी के दौरान एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यानी कि कोलोनोस्कोप में वायर अटैच कराकर पीछे के रास्ते से इफेक्टेड पोर्शन तक ले जाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमन के शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है जो कि उस पॉलिप को या तो कैटराइज कर देता है यानी कि जला देता है, या फिर स्नेर कर देता है यानी कि कट कर देता है।